भोलेनाथ ने इसे पकड़ा और अंदर खींच लिया। भाव जी आपको पता है ये मंदिर क्यों बना था, किसने बनवाया था? बाबा भोले, बाबा भोले, मैं तो अरे भीम तो मेरे को पकड़ रहा है। भोले बाबा तो शक्तिशाली है ना, तो यहीं से दलदल में घुस गए थे तो कहाँ निकले पशुपतिनाथ। भीम क्या बोलने लगे, आज भोलेनाथ को यहाँ पे पकड़ना है, वहाँ पे मिलता है भांग का बनता है। जो घोड़ा पड़ा था यहाँ से चाय पी के निकल रहा है और यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट वगैरह सब कुछ होता है। नीचे ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रही थी गौरी कुंड में कहीं पे भी, और यहाँ पे एयरटेल के नेटवर्क भी बहुत अच्छे आ रहे, जियो नहीं है बिल्कुल भी। भारी देख के होता है, वजन देख के, मोटा आदमी हो गया तो 1500-2000, बच्चे हो गया तो 1000-1200, बच्चे के लिए 1000-1200। मेरा कितना लगता है मंदिर ₹2000 और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे व्यू बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। पूरा व्हाइट स्नो माउंटेन है, उसके बाद इधर देखो पूरा स्नो पड़ा हुआ है। यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है सब जगह का, और यहाँ पे कैंप वगैरह सब कुछ अरेंज किया हुआ है। जो लोग पर्सनल लेके आ रहे हैं वो भी कैंपिंग कर सकते हैं, बाकी सब प्राइवेट कैंप है, आपको रेंट पे लेने पड़ेंगे। यहाँ पे अभी थोड़ा दूर और बचा हुआ है। ये है हेलीपैड, यहाँ से 500 मीटर बचा हुआ है बस केदारनाथ धाम। सामने आपको दिख रहा होगा ये है मंदिर का फर्स्ट व्यू, और यहाँ से लाइन लगी हुई है, अप्रोक्स 1 किलोमीटर डिस्टेंस है यहाँ से। धीरे धीरे लोग आगे बढ़ रहे हैं, मैं यहाँ पे 7:30 पे आ गया था, उसके बाद अभी टाइम अप्रोक्स 9 हो रहा है। और यहाँ पे छोटे छोटे होटल्स, कॉटेज सब कुछ मिल जाएगा। सामने ऊपर ये है भैरव चट्टी, कहा जाता है यहाँ पे ऊपर गर्ल्स का जाना अलाउ नहीं है। और सामने का जो ये व्यू है ना बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, मतलब पूरा व्हाइट माउंटेन है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ पे मैनुअल रजिस्ट्रेशन के लिए काउंटर भी है, सो यहाँ पे आके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये देखो भाई मंदिर से थोड़ा पहले ये लोग ले रहे हैं असली मजे नहाने के, मजा आ गया भाई। इतना ठंडा पानी है ना यहाँ पे, लोग जा रहे हैं फुल डेयरिंग है। और ये ब्रिज है यहाँ पे, वो जो मूवी थी उसकी शूटिंग जो हुई थी वो यहाँ पे हुई थी, केदारनाथ मूवी की। सामने है मंदिर का व्यू। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। भाई आज भीड़ देख लो कितनी, आज कपाट खुले, खतरनाक वाली भीड़ है आज। अभी लेकिन हम पहले प्रसाद लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं दर्शन करते। हम क्या चाहते हैं? बाबा के दर्शन। हम क्या चाहते हैं? बाबा के दर्शन। स्टार्टिंग से बताना आपने कैसे दर्शन किया आपने? भाई हम लोग लगे हैं 7:30, और भैया कब से लगे आप? 7:45 से, और ये तीनों लोग साथ में ही है, और उसके बाद इन लोगों के दर्शन हो चुके हैं। आपके कैसे हो गए? हम गए, हमने सूज उतारे, उसके बाद हम लाइन में लगे, और जैसे ही हम लाइन में लगे एकदम कौन सी लाइन में लगे? लाइन से दूसरी लाइन थी ना, फिर क्या हुआ? भोलेनाथ ने इसे पकड़ा और अंदर खींच लिया। फिर मैंने इसको पकड़ा, इसको अंदर खींच लिया। एक शक्ति सी आई हमें और हमें बुलाया भोलेनाथ ने कि चलो अंदर, चलो बेटा आओ दर्शन। हमारे साथ एक अंदर मन में सोचा, हमारे साथ एक बड़ा भाई और आया हुआ है। भोलेनाथ नहीं नहीं उसने बहुत पाप किए हुए हैं, उसको रहने दो, उसको हंटर से मारूंगा। फाइनली दर्शन हो गए, और मैंने क्लिप भी बनाई है, आप लोग भी देख लीजिए। बट अंदर जाके जो फील हुआ ना बहुत अच्छा लगा। पांचों पांडव की वहाँ पे मूर्ति थी, शिव जी का तीन साइड वाला जो शिव जी की शिवलिंग है वो थी वहाँ पे। सो ओवरऑल दर्शन बहुत अच्छे हो गए, नंदी महाराज भी थे अंदर। अब आपको दिखाता हूँ और भी पीछे का। सो भाई 2013 में जब आपदा आई थी तो यहाँ से मुझे बहुत तेज पानी आया था, उसके साथ में ये शिला भी आई थी जिसको भीम शिला बोलते हैं। इस शिला ने पूरा मंदिर को बचा लिया था, और उसके बाद जो पानी था वो दो भागों में डिवाइड हो गया था, इधर और उधर, और मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ था। अभी तो फिलहाल इन्होंने काफी कुछ प्रोटेक्शन कर दी है,
पूरी प्रोटेक्शन वॉल साइड में लगा दी है और इसके किनारे जाती है मंदाकिनी रिवर। तो मंदाकिनी रिवर जो है वो इसके इधर और इधर मंदिर के दोनों तरफ से जाती है। तो अभी इन्होंने क्या किया, ये पूरी बाउंड्री वॉल बना के और इधर और उधर से प्रॉपर रूट कर रखा कि कभी हैवी वाटर फ्लो आता भी है तो दोनों तरफ से निकल जाए, इधर कुछ भी ना हो। फिलहाल यार दर्शन बहुत अच्छे हो गए यहाँ आने के बाद, सब कुछ बहुत अच्छा लगा और सब लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। सिक्का लगा के आप यहाँ पे अपनी विश मांग सकते हैं। ये मंदिर का पीछे का पार्ट, यहाँ पे मंदिर और यहाँ पे ये भीमशिला। तो इस मंदिर के लिए कहते हैं कि इसको पांडवों ने बनवाया था, पांचों पांडव ने। भाजी आपको पता है ये मंदिर क्यों बना था, किसने बनवाया था? ये देखिए मतलब भोलेनाथ का बना हुआ है। हाँ कहते हैं लोग कि पांच पांडवों ने बनवाया था जब वो मोक्ष के लिए आए थे जो महाभारत के युद्ध के बाद। पांडवों ने पीछे वाला बनवाया है। हाँ ये वाला। हाँ वो जो आगे वाला है। हाँ वो शंकराचार्य ने बनवाया था। शंकराचार्य ने तो बाद में बनवाया ना। तो यहाँ पे भोलेनाथ आ गए थे। अच्छा तो पांडवों में भीम क्या बोलने लगे, आज भोलेनाथ को यहाँ पे पकड़ना है। और भोलेनाथ जैसे पशु के रूप में नंदी बन गए ना। हाँ सब नंदी बन गए, उनके बीच में खा पी रहे अपना मस्त। भीम बोलने लगे नहीं भोले बाबा यही है। तो उन्होंने पैर ऐसे कर लिया तो भीम ने बोला तो मेरे पैर के नीचे से निकल जाएंगे। तो बाबा बोले मैं तो अरे भीम तो मेरे को पकड़ रहा है, भोले बाबा तो शक्तिशाली है ना। तो यहीं से दलदल में घुस गए थे। तो कहाँ निकले, पशुपतिनाथ काठमांडू। वहाँ शीश की पूजा है बेटा। हाँ। तो यहाँ थड़ की पूजा है, इस बार घी लगाता है ना नंदी को। हाँ। आप नहीं लगाया घी कि नहीं? नहीं घी लगाना पड़ता है। तो वहाँ पशुपतिनाथ है। हाँ। तभी बोलते जो काठमांडू है वो काठमांडू गुरु गोरखनाथ जी का बनाया हुआ है। जो गोरखा सैनिक हुए थे तुम्हारे। हाँ। वो मिट्टी के पुतला बना दिए थे गुरु गोरखनाथ जी ने। एक आपके जैसा एक राजा था। हाँ। जैसे आप मेरे पास बैठ गए। हाँ। तो कोई कार्य करना कि बाबा मेरे पास तो फौज नहीं है, मेरे को सामने वाला लड़ने आ रहा है, कृपा करो। तो मैंने आपको बोला कि बेटा आप मिट्टी के पुतले बना लो, मिट्टी के पुतले बना लो। तो मिट्टी के पुतले बना लिया गुरु गोरखनाथ जी ने, उसके अंदर जीवा काया जान डाल दिया जो मिट्टी के पुतले थे। आज उनके नाम से गोरखा रेजिमेंट। गोरखा रेजिमेंट इंडियन आर्मी में गुरु गोरखनाथ जी का बनाया हुआ बेटा। उनकी परंपरा चली आ रही है। वो भगवान गुरु गोरखनाथ जी को मानते है आदि ज्योति ज्योति, वो है ज्योति ज्योत आदि आदनंद। अब नेपाल में जाओगे, इतना इंडिया में प्रचार नहीं क्योंकि बच्चे पढ़ते उधर स्कूल में, बच्चे पढ़ते हैं और स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है गुरु गोरखनाथ जी के। फिर पैसों के ऊपर गुरु गोरखनाथ जी का नाम है। एक बार काठमांडू नेपाल जाइएगा तो आपको आगे पढ़ने का मौका बहुत मिलेगा, बहुत ज्ञान मिलेगा। तो हिंदुओं के पत्थरों में शक्ति है। बाबा जी ये बता रहे हैं कि ये जो पत्थर आ गया था, कह रहे भगवान है तभी तो इस मंदिर को इन्होंने बचा लिया, और कहीं कोई पत्थर नहीं आया, यहाँ पे आया और पूरा मंदिर बचा लिया इन्होंने। अपने घर का अपने पुजारी का। हाँ। पुजारी घंटा पकड़ के लटक गया था। वो मंदिर नहीं था उसी टाइम पर। हम 2013 में। हाँ। गरुड़ चट्टी अभिराम दास के आश्रम थे, ललित दास के वहाँ। अच्छा ये कौन सी चट्टी पे? गरुड़ चट्टी पे। ये सीताराम का आश्रम, सीताराम आश्रम वहाँ पे थे आप? तो पूरा पानी निकल गया होगा पूरा जी पूरा। हम लोग वहाँ पे बैठे थे। हाँ। हमारे को कुछ नहीं हुआ, मंदिर को कुछ नहीं हुआ, गुफा भी है। कभी जाइए तो को रास्ता जाता ऊपर। भाई ये सब भोले बाबा की कृपा है, जिसको रखना है ना उसको आग जलती आग से खींच लेगा। हाँ। लेकिन उसके ऊपर भरोसा होना चाहिए। ये देखो उनके पूरे कान छेदे हुए हैं। सो ये इस तरह के कान सिर्फ गोरखनाथ परिवार है बेटा। अच्छा नाथ परिवार से हो आप? हमारा जो संस्कार होता है। हाँ। हम चंदन तिलक नाम ही लगाएंगे। हाँ। फिर भी हमारे गुरु महाराज ने मोहर लगा रखी है। आई होप आपको लाइव दर्शन मंदिर की डिटेल जो बाबा जी ने बताई पसंद आई होगी। अब मैं थोड़ी देर यहाँ बैठता हूँ, कुछ फोटोज क्लिक कराऊंगा, फिर उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। और यहाँ पे बहुत भयंकर क्राउड है, बहुत भयंकर, क्योंकि आज डे वन था, आज ही कपाट खुले थे तो इसकी वजह से था। बट फाइनली अपने दर्शन हो गए। एक समय तो मुझे ऐसा लगा कि शायद आज नहीं होंगे, बट मेरा था कि आज नहीं हुए तो रुकूंगा, रात को यहाँ लाइन में लगता, फिर सुबह दर्शन करता, बट भोले बाबा ने दर्शन दे दिए। बाबा जी आपने सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी फोटो खिंचाई थी क्या? आप ही थे? फोटो मेरे यहाँ लगी हुई बहुत बड़ी, उसकी मूर्ति बनवा रहा हूँ 10 फुट की। जय नंदी महाराज। भैया दर्शन हो गए बहुत अच्छे, अंदर भी बाहर भी नंदी महाराज की परिक्रमा भी कर ली। और अभी इधर जो आपको ये एनवायरनमेंट दिख रहा है ना, क्लाउड दिख रहा है जो, ये अभी पूरा डार्क हो गया था, नीचे तक आ गए थे बादल, बट अभी धीरे धीरे क्लियर हो गया सनलाइट बढ़ते ही। भाई ये देखो, ये मॉर्निंग में सब क्लियर था फिर बढ़ गया। ये देखो भाई देखो, थोड़ी देर में फिर से पूरा फॉग आ गया और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट हो रखा है। ये देखो
मतलब कभी बादल आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, यहाँ पे रह के हमें ये फील हो रहा है कि कितना अच्छी जगह है। यहाँ की जो वाइब्स हैं वो बहुत अच्छी हैं। और जो उस समय पंडित जी बता रहे थे कि आगे वाला शंकराचार्य जी ने बनवाया, पीछे वाला पांडवों ने बनवाया, तो ये जो शंकराचार्य जी ने बनवाया इसमें पाँचों पांडवों की भी मूर्ति है, और पीछे जो शिवलिंग बना हुआ है वो पांडवों ने बनवाया था। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये बनाया पांडवों ने, और ये वाला शंकराचार्य जी ने बनवाया था। और कहा जाता है कि 400 साल तक ये मंदिर बर्फ के अंदर ढका रहा था। फाइनली टाइम हो रहा है 4:15, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छे दर्शन हो गए, सभी भाइयों के दर्शन हो चुके हैं। और यहाँ का अगर आप वेदर देखोगे ना, मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, बट बहुत अच्छा वेदर हो रखा है। फिलहाल सबके दर्शन हो गए, भाई लोग कैसा लगा? भाई बहुत अच्छा लगा भाई, भाई अंदर जाने के बाद फीलिंग अलग थी। और पूरा जो हम लोगों ने राउंड लगाया, चार दोनों तरफ से मंदाकिनी रिवर जा रही है, जो यहाँ के व्यू, जो यहाँ का मतलब वाइब है वो एकदम डिफरेंट है, मतलब पॉजिटिव वाइब। ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। आपको किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछना है केदारनाथ यात्रा से रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ बोलना चाहूंगा भाई के बारे में, एक्चुअली मेरे भाई ने बहुत मेहनत करी है, तो भाई प्लीज सपोर्ट करना यार, आप वीडियो को पूरा आनंद लेना, एंड तक देखना, पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना है भाई। कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छा लगा बुरा लगा जो भी लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।